हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th आरडी शर्मा मैथमेटिक्स चैप्टर 14 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज। मार्क द करेक्ट अल्टरनेटिव इन ईच ऑफ द फॉलो। नीचे जो क्वेश्चंस है उनमें हमको करेक्ट अल्टरनेटिव को मार्क करना है। क्वेश्चन नंबर 18, द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन इंटू एक्स प्लस एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो आर रियल एंड नेगेटिव इज। देखिए, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में। इस इक्वेशन में ये जो m दिख रहा है आपको, इस m की वैल्यूज का सेट हमको कैलकुलेट करना है, जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स है वो रियल हैं। जब रूट रियल रहते हैं तो उसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है और वो नेगेटिव भी है। तो आपको m की वैल्यूज का सेट कौन सा होगा ये फाइंड आउट करना था। इसके लिए सबसे पहले मैं गिवन इक्वेशन को लिख लेता हूँ। एक्स स्क्वेयर माइनस एम प्लस वन इंटू एक्स प्लस एम प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसमें दो कंडीशन है कि इस इक्वेशन के रूट्स रियल हैं और नेगेटिव है, तो हम एक ही कंडीशन को वन बाय वन लेंगे। पहले फॉर रियल रूट्स, फॉर रियल रूट्स, अगर इक्वेशन के रूट्स रियल है तो उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसमें ए बी सी की वैल्यू रख देते हैं। इसको ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे तो ए इज इक्वल टू वन, बी इज इक्वल टू एक्स का कोफिशिएंट माइनस एम प्लस वन और सी इज इक्वल टू एम प्लस फोर। तो बी स्क्वेयर है, बी की वैल्यू माइनस एम प्लस वन है, इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, इसको एम प्लस एन होल स्क्वायर लिख देते हैं। एम प्लस वन होल स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है वन और सी की वैल्यू है एम प्लस फोर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करते हैं। एम प्लस वन होल स्क्वायर को ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से ओपन करेंगे तो एम स्क्वायर प्लस टू एम प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो वन स्क्वायर वन माइनस ये फोर बन जा, फोर का इंटू कर देते ब्रैकेट में तो माइनस फोर एम माइनस फोर फोर जा सिक्सटीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। इसको और थोड़ा सॉल्व कर लो, विच एम्प्लाइज एम स्क्वेयर टू एम माइनस फोर एम करेंगे तो माइनस टू एम हो जाएगा, वन माइनस सिक्सटीन करेंगे तो माइनस फिफ्टीन हो जाएगा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब इसकी जो मिडिल टर्म है माइनस टू एम, इसको दो पार्ट में ऐसा स्प्लिट करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस फिफ्टीन एम स्क्वायर हो जाए और प्लस करने पर माइनस टू एम। प्रोडक्ट इसका नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, बट सम इसका नेगेटिव है तो बिगर नंबर नेगेटिव होगा। तो हम क्या ले लेते हैं, माइनस फाइव एम और प्लस थ्री एम, माइनस फाइव एम इंटू थ्री एम करेंगे तो माइनस फिफ्टीन एम स्क्वायर हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू। तो विच एम्प्लाइज एम स्क्वायर माइनस फाइव एम प्लस थ्री एम माइनस फिफ्टीन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। देखो इसको चेक करके, माइनस फाइव एम इंटू थ्री एम करेंगे तो माइनस फिफ्टीन एम स्क्वेयर, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस टू एम। आप दो दो में से कॉमन निकाल लो, एम कॉमन निकाले तो ये एम माइनस फाइव प्लस थ्री कॉमन निकाल लेते हैं लास्ट की दो टर्म में से, तो ये एम माइनस फाइव इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब ये m माइनस फाइव का ब्रैकेट कॉमन निकाल लेते हैं, आपका m माइनस फाइव कॉमन निकाले तो यहाँ बच गया m प्लस थ्री इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये दो फैक्टर्स आ गए, लेकिन ये इनइक्वालिटी है यहाँ पर, तो हम डायरेक्ट आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो नहीं ले सकते। यहाँ से m की वैल्यू निकालने के लिए हमको नंबर लाइन के ऊपर इंटरवल का यूज करना पड़ेगा। तो पहले मैं नंबर लाइन बनाता हूँ, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इनफिनिटी। अब अगर अपन इस फैक्टर को जीरो के इक्वल रखें तो एम माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो एम इज इक्वल टू फाइव मिलेगी एम की एक वैल्यू, और इसको जीरो रखेंगे एम प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो तो एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, तो दो नंबर मिल रहे हैं माइनस थ्री और फाइव। तो यहाँ पर दो पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, एक और ये दूसरा। अब जो छोटी वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में और जो बड़ी वैल्यू है उसको राइट साइड में, छोटी वैल्यू क्या आएगी माइनस थ्री, ये तो हो गया आपका माइनस थ्री और ये हो गया आपका प्लस फाइव। इनको जीरो के इक्वल रख के एम की दो वैल्यू निकाल। आप देखिए यहाँ पर ग्रेटर देन आर इक्वल टू का साइन लगाइए, इक्वल टू भी इसका मतलब है कि ये पॉइंट भी इंक्लूड रहेंगे, माइनस थ्री और फाइव भी इंक्लूड रहेगा, तो ये सर्कल को डार्क कर देंगे।
डार्क सर्कल का मतलब ये होता है कि पॉइंट इसके अंदर इंक्लूडेड है, माइनस थ्री भी और फाइव भी, और कभी हॉलो सर्कल रहते तो उसका मतलब रहता है कि पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं रहते, उससे बड़ी और उससे छोटी वैल्यू रहती है। अब ये दो पॉइंट ने अपने को तीन इंटरवल दे दिए यहाँ पर, एक दो और ये तीन। अब कौन से इंटरवल में वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी और कौन से में लेस देन आर इक्वल टू जीरो होगी, उसके लिए अपन एक एक इंटरवल में से वैल्यू इसके अंदर पुट करके देख लेते हैं। अब ये इस इंटरवल में माइनस थ्री से छोटी और माइनस इन्फिनिटी से बड़ी कोई भी वैल्यू अगर अपन रखें, माइनस थ्री से छोटी माइनस फोर अगर इसके अंदर रखते हैं अपन इस फैक्टर के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस फोर यहाँ रखेंगे माइनस फाइव, तो ये वाला फैक्टर अपने को माइनस नाइन मतलब नेगेटिव वैल्यू दे देगा। तो यहाँ तो आ गया आपका एक तो आ गया नेगेटिव साइन, फिर इस फैक्टर के अंदर भी माइनस फोर रखो एम की वैल्यू, तो माइनस फोर प्लस थ्री करेंगे तो ये भी नेगेटिव दे देगा आपको, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आ गए दोनों फैक्टर, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगी वैल्यू, मतलब इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यू मिलेगी वो पॉजिटिव मिलेगी। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन जीरो, और जब उसमें थ्री को इंक्लूड कर लेंगे, एम इजिकल टू थ्री भी ले लेंगे, और जब उसके अंदर ये माइनस थ्री को इंक्लूड कर लेंगे, एम की वैल्यू माइनस थ्री रख देंगे, तो ये जीरो के इक्वल भी मिल जाएगा, मतलब इस इंटरवल में जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी। तो इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी, जीरो कब होगी, जब माइनस थ्री रख देंगे इसके अंदर, और कोई दूसरी वैल्यू रखेंगे इस इंटरवल में से तो वैल्यू ग्रेटर देन जीरो मिलेगी, मतलब ये पॉजिटिव। अब इस इंटरवल में देखते हैं माइनस थ्री से बड़ी और फाइव से छोटी कोई वैल्यू, जीरो, जीरो आपका माइनस थ्री से बड़ा है फाइव से छोटा, जीरो रखो, यहाँ रखिए आपने जीरो एम के प्लेस पर, तो ये नेगेटिव दे देगा ये वाला फैक्टर, ये माइनस, उसके बाद वही वाले जीरो को आप यहाँ रखो जीरो प्लस थ्री, तो ये पॉजिटिव दे देगा, नेगेटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। इस इंटरवल में जो वैल्यू मिलेगी वो नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मतलब लेस देन जीरो मिलेगी, और जीरो कब मिलेगी, जब माइनस थ्री या फाइव रखेंगे, आप फाइव रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा, माइनस थ्री रख देंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो इस इंटरवल में वैल्यू या तो नेगेटिव मिलेगी लेस देन, या फिर इक्वल टू जीरो मिलेगी, इक्वल टू जीरो, ये दोनों पॉइंट अगर रख देंगे तब। आप ये वाले इंटरवल में फाइव से बड़ी और इन्फिनिटी छोटी कोई वैल्यू सिक्स रख दिए, तो सिक्स माइनस फाइव करेंगे तो वन, ये वाला फैक्टर तो आपको पॉजिटिव वैल्यू दे देगा। उसके बाद वही वाले सिक्स को यहाँ रखो, सिक्स प्लस थ्री नाइन, ये भी पॉजिटिव है, ये वाला फैक्टर भी पॉजिटिव दे देगा, दोनों पॉजिटिव का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव। इस इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो होगी, इक्वल टू जीरो कब होगी, जब फाइव रख देंगे और फाइव से बड़ी कोई वैल्यू रखेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू दे। अब अपना ये जो इनइक्वालिटी थी ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो था, अब देखो इसमें ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ मिल रहा है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव, ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो आपका इस इंटरवल में मिलेगा और इस इंटरवल में, तो दोनों इंटरवल का यूनियन अपना आंसर होगा यहाँ। तो मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, एक तो ये वाला इंटरवल और एक ये वाला इंटरवल, ये दो इंटरवल मिलेंगे अपने को जिसमें ये वाली इनइक्वालिटी ट्रू हो जाएगी, मतलब वैल्यू या तो जीरो मिलेगी या ग्रेटर देन जीरो मिलेगी इन दोनों में से। तो देयरफॉर एम बिलोंग्स टू ये वाला इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बड़ी और माइनस थ्री से छोटी वैल्यू, ये माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस थ्री, माइनस थ्री को इंक्लूड करना है, ये सेम ही ओपन इंटरवल लगाएंगे, माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है उससे बड़ी वैल्यू और माइनस थ्री से छोटी वैल्यू, माइनस थ्री इंक्लूडेड है इसके अंदर, और एक ये वाला लेना है फाइव और फाइव से बड़ी और इन्फिनिटी से छोटी, यहाँ यूनियन लगा दो, यूनियन फाइव को इंक्लूड करना है तो ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल फाइव कॉमा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के सामने ओपन ब्रैकेट लगेगा, ये सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, ये सेमी ओपन इंटरवल, तो इन दोनों का जो यूनियन होगा वो एम की वैल्यू होगी, इसको वन नंबर दे दो। ये इक्वेशन के रूट्स जो है वो नेगेटिव, अभी एक कंडीशन और है कि इक्वेशन के रूट्स जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव रूट्स के लिए भी अपन कंडीशन का यूज करेंगे, इसको मैं अगले पेज में लिख लेता हूँ, ये आ गया यहाँ पर। अब इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो नेगेटिव भी है, इस कंडीशन का भी यूज करेंगे, ऑल्सो बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, ऑल्सो बोथ द रूट्स आर नेगेटिव, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स नेगेटिव भी है, अगर दोनों रूट नेगेटिव रहेंगे, अल्फा भी नेगेटिव और बीटा भी नेगेटिव, तो जब दोनों रूट को अपन प्लस करेंगे समाप्त रूट्स निकालेंगे तो अपने को नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी या लेस देन जीरो मिलेगी, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन जीरो, दोनों रूट नेगेटिव है
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों को जब प्लस करेंगे दोनों का सम निकालेंगे तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी। जैसे एक रूट माइनस थ्री और एक माइनस फाइव है, दोनों को प्लस करेंगे तो माइनस एट मिलेगा जो जीरो से छोटा रहेगा। एंड अगर दोनों रूट नेगेटिव है तो उनका जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा ये ग्रेटर देन जीरो होगा, मतलब ये पॉजिटिव होगा। कैसे? जैसे एक रूट आपका माइनस थ्री एक माइनस फाइव है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो प्लस 15 आएगा जो ग्रेटर देन जीरो। तो ये दो कंडीशन अपने को और यूज करना है जब दोनों रूट्स नेगेटिव भी रहेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? ये होता है माइनस बी अपॉन ए लेस देन जीरो, एंड इसको भी सॉल्व कर लेंगे अपन इधर। एंड अल्फा बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए इज ग्रेटर देन जीरो। ये दोनों में वैल्यू रख देते हैं ए बी सी की, विच एम्प्लाइज माइनस बी अपॉन ए, बी की वैल्यू देखो कितनी है, तो बी की वैल्यू माइनस एम प्लस वन है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये एम प्लस वन अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट वन इज लेस देन जीरो। इसको सॉल्व कर लो तो एम प्लस वन इज लेस देन जीरो, वन को इधर शिफ्ट कर देंगे तो एम इज लेस देन माइनस वन। इसको सॉल्व कर लो सी अपॉन ए, सी की वैल्यू देखो क्या है, सी की वैल्यू है एम प्लस फोर, ये एम प्लस फोर और ए की वैल्यू है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट वन, ये वन इज ग्रेटर देन जीरो। तो और थोड़ा सॉल्व करो तो ये एम प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, एम प्लस फोर इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब एम इज ग्रेटर देन फोर को शिफ्ट कर लेंगे तो माइनस फोर। तो देखो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं अपन, तो देयर फोर एम की जो वैल्यू है वो माइनस वन से लेस है, तो माइनस वन से लेस किधर होती है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस इन्फिनिटी तक। तो एम बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, और ये वाला भी लेना है आपको एम इज ग्रेटर देन माइनस फोर, ग्रेटर देन माइनस फोर क्या होगा, माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री इन्फिनिटी तक जाएगा। इसको यूनियन में ले लो, यूनियन ओपन इंटरवल माइनस फोर से बड़ी वैल्यू कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये दोनों भी एम की वैल्यूज होगी इस इंटरवल के अंदर। अब अपने दो सोल्यूशन आ गए इसके अंदर, एक ये आ गया और एक ये आ गया। इसको नंबर टू दे देता हूं मैं। तो अब देखिए एम की जो है वो दो वैल्यूज आ रही, एक फर्स्ट से और एक सेकंड से। अब ये दो तो आंसर नहीं रख सकते अपन, अब ये दोनों का जो कॉमन सोल्यूशन होगा इन दोनों सोल्यूशन के अंदर, अब इन दोनों सोल्यूशन के अंदर जो कॉमन होगा वो अपना रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो अब इसका कॉमन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों सॉल्यूशन को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं और वहां से दोनों का कॉमन अपन आसानी से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए एक नंबर लाइन पे ले लेता हूं मैं इसको, मान लीजिए ये नंबर लाइन है, इधर प्लस इन्फिनिटी और इधर माइनस इन्फिनिटी। कितने पॉइंट्स हैं, एक है माइनस थ्री फाइव माइनस वन माइनस फोर। पहले ये चारों पॉइंट को आप प्लॉट कर दो इसके ऊपर। तो सबसे छोटा कौन सा है आपका, सबसे छोटा है माइनस फोर है, माइनस वन माइनस थ्री माइनस फोर सबसे छोटा है। चार पॉइंट लेना है, चार पॉइंट बना लेता हूं मैं, एक दो तीन और एक चार। चार पॉइंट आप मार्क कर लो, वन टू थ्री फोर, वन टू टू थ्री और ये फोर। अब इसमें सबसे छोटा लेफ्ट साइड में आएगा, तो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा है आपका माइनस फोर, ये माइनस फोर ले लो। उसके बाद उससे बड़ा है माइनस थ्री, फिर उससे बड़ा है माइनस थ्री के बाद माइनस वन और सबसे बड़ा है फाइव। देखो सारे पॉइंट आ गए। अब इसमें जहां जहां पर क्लोज्ड इंटरवल है, जो वैल्यू इंक्लूड है, वो वाले पॉइंट को आपको डार्क करना पड़ेगा। तो माइनस फोर और माइनस थ्री में ये माइनस फोर तो इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हॉलो सर्कल रहेगा। माइनस थ्री, ये माइनस थ्री इंक्लूडेड है, देखो ये क्लोज्ड इंटरवल है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल माइनस थ्री है इसके अंदर, तो माइनस थ्री वाले पॉइंट को डार्क करना पड़ेगा। तो इसको डार्क कर दो, इसका मतलब ये है कि ये वाला पॉइंट इंक्लूडेड है। उसके बाद माइनस वन, माइनस वन ये है, माइनस वन इंक्लूडेड नहीं है, तो ये हॉलो रहेगा ये वाला सर्कल। उसके बाद फाइव, फाइव इंक्लूडेड है, यहाँ देखो फाइव इंक्लूडेड है, सेमी क्लोज्ड इंटरवल है, फाइव और फाइव से बड़ी वाली, तो फाइव वाले सर्कल को डार्क कर दो। देखिए डार्क सर्कल और हॉलो सर्कल का मतलब यह है कि जो पॉइंट इंक्लूडेड रहते हैं उसको डार्क करते हैं और सर्कल को डार्क करते हैं, जो पॉइंट इंक्लूड नहीं रहते उसको हॉलो छोड़ देते हैं। तो ये अपना नंबर लाइन के ऊपर आ गया। अब अपन ये सारे सॉल्यूशन को
दोनों सोल्यूशन को इसके ऊपर पहले प्लॉट कर लेते हैं और फिर देखेंगे कि कौन सा कॉमन सोल्यूशन क्या क्या है। पहला है माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, देखो माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री यहाँ तक, इसके अंदर माइनस थ्री तो इंक्लूडेड है, इसके अंदर माइनस थ्री तो इंक्लूडेड है लेकिन माइनस इन्फिनिटी इंक्लूडेड, यूनियन फाइव कॉमा इन्फिनिटी, फाइव इंक्लूडेड है, ये फाइव कॉमा इन्फिनिटी, इसमें फाइव तो इंक्लूडेड है, इन्फिनिटी इंक्लूडेड नहीं है, ये पहले वाले तो हमने इसके ऊपर रिप्रेजेंट कर दी, ये सोल्यूशन। अब दूसरा वाला ये है माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, तो ये रहा माइनस इन्फिनिटी और ये माइनस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक का सोल्यूशन ये वाला आएगा माइनस माइनस वन से माइनस इन्फिनिटी तक। उसके बाद दूसरा माइनस फोर से प्लस इन्फिनिटी तक, माइनस फोर कहाँ है, ये रहा माइनस फोर, ये माइनस फोर, इससे इन्फिनिटी तक, तो इधर चले जाएंगे इन्फिनिटी तक। देखिए ये दोनों सोल्यूशन को मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये जो ऊपर लाइन लगी हुई है ऊपर और नीचे, ये वाला सेकंड सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो अपने नंबर लाइन के ऊपर ही लिए हैं ये फर्स्ट सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका कॉमन पोर्शन आपको देखना है कि इसमें 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 और इसमें क्या कॉमन है, तो देखो इन दोनों में, देखो इन दोनों में कौन सा पोर्शन कॉमन होगा, इन दोनों में ये वाला पोर्शन कॉमन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री, वो इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी, तो एक तो ये आ जाएगा यूनियन, इसके अंदर कॉमन क्या होगा, ये वाला और यहाँ से यहाँ तक का जो छोटा पोर्शन रहता है वो कॉमन रहता है, ये फाइव से इन्फिनिटी तक ये कॉमन है और इधर माइनस थ्री से माइनस इन्फिनिटी तक, ये दोनों का यूनियन ले लेते हैं, तो देयर फोर एम बिलोंग्स टू पहले ये वाला माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री तक, ये देखो ये इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो दोनों माइनस इन्फिनिटी से माइनस थ्री तक और इसमें थ्री इंक्लूडेड है, सेमी ओपन इंटरवल लेंगे माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस थ्री, माइनस थ्री को इंक्लूड करना है, ऐसा ब्रैकेट लगा देंगे यूनियन, यहां पर इसमें और इसमें कॉमन कौन सा पोर्शन होगा, ये वाला, ये इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये वाला कॉमन है फाइव से इन्फिनिटी तक, इसके अंदर फाइव इंक्लूडेड है तो सेमी क्लोज इंटरवल ले लो, ये फाइव कॉमा इन्फिनिटी ऐसा, तो ये होगी m की रिक्वायर्ड वैल्यू या ये हो गए m की वैल्यूज का सेट, तो ये होगा आपकी m की वैल्यूज का सेट। ये दोनों सोल्यूशन का जो दो सोल्यूशन आए थे हमारे, इसका हमने कॉमन सोल्यूशन लिए, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस थ्री, यूनियन फाइव कॉमा इन्फिनिटी, बस ये a वाला ही आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन a इज करेक्ट, आप लिख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन a इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट, तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x प्लस टू इंटू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स प्लस फोर इज, देखिए ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके कितने नंबर ऑफ रूट्स है वो कैलकुलेट करना है, तो इस इक्वेशन को ही हम सॉल्व कर देते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये x प्लस फोर का ये दोनों ब्रैकेट में और ये x माइनस टू का इन दोनों ब्रैकेट में, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ये x प्लस फोर को मैंने पहले लिख दिया है पर आ गया, और इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो, x का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स, फिर प्लस टू का करेंगे तो टू एक्स माइनस टू फाइव जै टेन इज इक्वल टू, ऐसे इधर कर देंगे ये दोनों ब्रैकेट का x माइनस टू में, तो x माइनस टू को ऐसे ही रहने दो अभी, और ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, x का इंटू करेंगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स, माइनस थ्री का करेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री सिक्स जै एट्टी, इसको सॉल्व कर लो, और ये x प्लस फोर इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स करेंगे तो माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू को अभी ऐसे रहने दो, अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ये एक्स स्क्वेयर सिक्स एक्स माइनस थ्री एक्स करेंगे तो प्लस थ्री एक्स माइनस एट्टीन, अब ये ब्रैकेट भी खोल देते हैं, पहले x का इंटू कर लो तो एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वेयर और माइनस टेन एक्स, प्लस फोर का इंटू करेंगे तो प्लस फोर एक्स स्क्वेयर माइनस फोर थ्री जा ट्वेल्व एक्स माइनस फोर टेन जा फोर्टी
इज इक्वल टू, इधर x माइनस टू का इंटू करेंगे, पहले x का कर लो, x क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस 18x, और माइनस टू का करेंगे तो माइनस टू एक्स स्क्वेयर माइनस टू थ्री जा 6x, और माइनस माइनस प्लस 18 टू जा 36। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लो, ये x क्यूब से x क्यूब कैंसल्ड हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा नहीं, बाकी की टर्म प्लस माइनस होगी, उसको प्लस माइनस कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 3x स्क्वेयर माइनस का है और 4x स्क्वेयर प्लस का है, तो प्लस x स्क्वेयर हो गए, x y टर्म देखो माइनस 10x और माइनस 12x माइनस 22x, उसके बाद कांस्टेंट टर्म देखो माइनस 40 इज इक्वल टू इधर 3x स्क्वेयर माइनस 2x स्क्वेयर, तो प्लस x स्क्वेयर, x वाली टर्म देखो माइनस 18x माइनस 6x माइनस 24x, और कांस्टेंट टर्म है प्लस 36, और जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो, x स्क्वेयर पॉजिटिव कैंसिल्ड हो गया। अब ये x वालों को एक साइड कर लो, ये माइनस 22x और इधर से 24x को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 24x हो जाएगा, माइनस का प्लस इक्वल टू 36, इधर ही है माइनस 40 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 40, विच इज इक्वल टू 24x माइनस 22x 2x हो जाएगा, प्लस का इक्वल टू 40 प्लस 36 76, 76 को 2 से डिवाइड कर दो तो x इक्वल टू 38। देखिए x की वैल्यू जो है वो 38 आ गई, इसका मतलब ये है कि इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए 1, देयरफॉर द नंबर ऑफ रूट्स is equal to 1 only, इसका केवल एक ही रूट होगा, सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, तो ऐसे आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर लेंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, तो हमको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू बताना है, तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इनटू बीटा की वैल्यू पहले लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट इसकी वैल्यू निकाल दो, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, इस इक्वल टू ये माइनस और बी की वैल्यू क्या है, इसको जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 से कंपेयर करें तो a इक्वल टू 4 b इक्वल टू 3 और c इक्वल टू 7, तो माइनस b, b की वैल्यू है 3 और a की वैल्यू है 4, तो अल्फा प्लस बीटा तो माइनस 3 अपॉन 4 आ गया, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, c की वैल्यू है कांस्टेंट टर्म 7 और a की वैल्यू है 4, तो अल्फा बीटा आ गया 7 अपॉन 4, अब अपन डायरेक्ट 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू ले लेते हैं, देयरफॉर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा एलसीएम ले लेते हैं, अल्फा से डिवाइड किया अल्फा कैंसिल, बीटा का 1 में इंटू कर दिए तो बीटा, प्लस बीटा से डिवाइड किया बीटा कैंसिल, अल्फा का 1 में इंटू कर दिए तो अल्फा, बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू अपने पास माइनस 3 अपॉन 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 7 अपॉन 4, रख दो वैल्यूज, विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 3 अपॉन 4 और अल्फा बीटा की वैल्यू 7 अपॉन 4, ये डबल फ्रैक्शन है तो ये 4 ऊपर जाएगा ये 4 नीचे आएगा, मैं इनको यहीं कैंसिल कर देता हूँ, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया आपका माइनस 3 अपॉन, क्या बच गया आपका माइनस 3 अपॉन 7, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, लिख सकते हैं आप इसको ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे, रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ दिस एमसीक्यू एक्सरसाइज वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट्स, ठीक है, ओके बाय।